नमस्कार साथियों, एसके एक्सेलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का कमेंट है कि सर एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। तो हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किमी प्रति घंटा है तो पहिए एक मिनट में कितनी चक्कर लगाएगा, ये निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कि पहिए की परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि कोई भी पहिया है ना, तो ये अपने अपने लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करता है। ठीक है ना, तो इस पहिए की लंबाई कितनी है निकालने के लिए इसकी जो है क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी। मतलब लंबाई का मतलब, अगर यहाँ से इसको ऐसे खोला जाए, मान लीजिए इसको ऐसे खोला गया तो यहाँ तक आ गया इधर, हाँ इसको ऐसे खोला गया तो कहाँ तक आ गया इतना, तो यही लंबाई जो है तय करेगी ये भैया अपने एक चक्कर में। ठीक है, तो भैया अपने एक चक्कर में कितनी लंबाई तय कर रही है इसको निकाल के, एक मिनट में चली गई दूरी में अगर भाग दे दिया जाए तो इसका जो है क्या निकल जाएगा, चक्करों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी पहिया अपने लंबाई के बराबर जो है एक चक्कर में दूरी तय करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानना होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम इस सवाल को जो है कैसे सॉल्व करेंगे अपने परीक्षा में, अपने पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पहिए की परिधि हम लोग ज्ञात करेंगे, तो दिया है क्या, दिया है कि पहिए की त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर है पहिए की परिधि, कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो पहिए, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में, एक चक्कर में चली गई दूरी, दूरी बराबर पहिए की परिधि होगा, पहिए की परिधि होगा बराबर 2πr। परिधि बराबर 2πr ही ना होता है तो 2πr कितना हो जाएगा, 2 × π का मान 22/7 गुणे 35, तब 7×5 35। अब 22 × 44 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5×20 = 0, 5×20 = 22, 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर है जो क्या हो जाएगा, पहिए की लंबाई हो गई 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर पहिए की लंबाई हो गई। अब इसी लंबाई से हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट में जो चली गई दूरी है उसमें भाग देंगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं एक मिनट में कितनी दूरी जाएगी, तो एक मिनट में कितनी दूरी जाएगी भाई, ये जो है पहिया 60 किमी प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो अगर हम लोग इसको जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से का मतलब 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में 66 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो एक घंटा में 66 किलोमीटर जा रही है, तो एक मिनट में निकालना पड़ेगा ना, एक मिनट में कितना दूर किलोमीटर जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, इस मैंने 66 में जो है 60 से भाग देना पड़ेगा ना, 66 में 66 किलोमीटर में आवर को जो है भाई एक घंटा में कितना 60 मिनट, तो 60 से भाग दे दिया जाए तो ये जो है मिनट में बदल जाएगा ना, ये मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, 6×6 = 6×6 = 60, मैंने 11/10 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया,
अब किलोमीटर को हम लोग क्या बदल लें, क्योंकि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है पहिए की परिधि जो है सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक, तो देखिए सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, 1 किलोमीटर बार 1,000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बार 1,000 मीटर, तो 1,000 से गुणा कर देंगे तो मीटर में हो गया। ठीक, बटे 10 कर देंगे। ठीक, अब ये कितने किस में हो गया, मीटर प्रति मिनट में हो गया, मीटर प्रति मिनट, मिनट है ना, मीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक, अब मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलना है, तो फिर जो है क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसमें जो है अब 1 मीटर में 100 सेमी, तो 11 गुणे 1,000 गुणे 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो गुणे 100 बटे 10, तो 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल, यानी कि कितना हो जाएगा दूरी, 1 11 गुणे 1 2 3 4 0। ठीक है, तो इतना जो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। अब इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, 220 से भाग दे देंगे, इसमें जो है 220 से भाग दे देंगे, तो जो है क्या निकल जाएगा, चक्करों की संख्या पहिए द्वारा मोटरसाइकिल द्वारा 1 मिनट में चली गई चक्करों की संख्या। अब लिखेंगे पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्रों की संख्या संख्या बराबर पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा अभी हमने बताया है कि पहिए द्वारा चली गई दूरी निकाल लेंगे, 1 मिनट में कितना दूरी चल रहा है, उसमें जो इसे परिधि से भाग दे, पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी, अब बटे क्या हो जाएगा, पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी, 1 चक्कर में चली गई दूरी। तो पहिए द्वारा कुल दूरी कितना जा रहा है, इतना बटे 220 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 बना 11, 3 में 0 बचेगा, 2 से 2 बचे 10, यानी कि 500, यानी कि 500 चक्कर लगाए गए, 500 चक्कर। ठीक है, तो 1 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी होगी, 500। अब यहाँ उत्तर लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे, अतः पहिए द्वारा 1 मिनट में 500 चक्कर लगाया जाएगा, मतलब 1 मिनट में 500 चक्कर लगेगा, चक्कर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो। ठीक है, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। सब्सक्राइब का कोई खर्चा नहीं होता है, आप लोग सब्सक्राइब करने से मत डरिएगा, कोई खर्चा लगेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।